नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल चेतन प्रोडक्शन पर। मैं आपका दोस्त शेखर कुमावत इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं मिस्टर अनिल जी काबरा के लिए डिजाइन किया हुआ ईस्ट फेसिंग पर कबीर कॉलोनी चित्तौड़गढ़ में 26 फीट बाई 50 फीट पर प्रोजेक्ट नंबर 515। तो आइए देखते हैं डिटेल से इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करते इससे पहले आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें है आपके लिए एक विशेष जानकारी। तो देखते हैं इस प्रोजेक्ट के की फीचर्स को। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें दो बेडरूम के साथ में हॉल और किचन है। स्टेयरकेस जो है इसमें हमने यू शेप का चढ़ाया है और एक किचन पोर्च डाइनिंग एंड लिविंग हॉल के साथ में ओपन और गुड वेंटिलेशन मॉडर्न हाउस और एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा जो 15 से 20 लाख रुपए की एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पर है। यदि आप इंजीनियर या आर्किटेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट को हमारी वेबसाइट indianarchitect.info पर जाकर के 2D प्लान के लिए DWG फॉर्मेट और 3D प्लान के लिए मैक्स फॉर्मेट में आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आइए हम प्लान पे डिस्कस करते हैं। ये जो प्लॉट है ये 26 फीट इसकी चौड़ाई है और डेप्थ जो है वो लगभग 50 फीट 7 इंच के आसपास है। आइए सबसे पहले हम करते हैं इसका वास्तु एनालिसिस। तो यहाँ पर हमें मिलता है इसका नॉर्थ और यहाँ मिलता है इसका साउथ। ईस्ट हमें यहाँ मिलता है और वेस्ट यहाँ मिलता है। प्लॉट की चौड़ाई के बनिस्पत लंबाई ज़्यादा होने के कारण हमें ईशान कोण यहाँ मिलता है, अग्नि कोण हमें यहाँ पर मिलता है और नैऋत्य कोण यहाँ और वायु कोण यहाँ पर आता है। और देखते हैं प्लॉट की डिटेल प्लानिंग को। यहाँ से हम मकान में एंट्री दिया है और एंट्री देते ही यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ और सीढ़ियों से हम ड्राइंग हॉल में जाते हैं जिसकी साइज है 8 फीट 4 इंच बाई 12 फीट 7 इंच। ये जो पोर्च है इसकी साइज हमें मिल रही है 8 फीट बाई 20 फीट की। आगे देखते हैं, यहाँ से हमने साइड एंट्री दिया है और यहाँ से हमने सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए दिया है। हॉल की जो साइज है वो 17 फीट 6 इंच बाई 10 फीट की इसकी हॉल की साइज है और किचन जो बन रहा है वो 8 फीट 9 इंच बाई 12 फीट 7 इंच का हमें किचन मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर पीछे दो बेडरूम दिए हैं जिनकी साइज है 12 फीट बाई 12 फीट और इनके साथ में पीछे अटैच टॉयलेट दिया है 6 फीट बाई 7 फीट का। इनके साथ जो अटैच टॉयलेट है वो 6 फीट बाई 6 फीट 4 इंच का अटैच टॉयलेट है और दूसरा जो रूम है यहाँ पर ये भी 12 फीट बाई 12 फीट का, इसके साथ भी 7 फीट बाई 4 फीट का आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है। तो आइए देखते हैं हमने जो इनके लिए एलिवेशन तैयार किया वो ये इसका एलिवेशन नंबर 1। आपको कैसा लग रहा है आप जरूर मुझे बताइएगा। इस पर हमने कुछ इस तरह के बॉक्सेस दिए हैं और ऊपर भी 3 बॉक्सेस और उनके बीच में SS की रेलिंग्स दी है और ऊपर इस तरह का एक छज्जा यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है और यहाँ पर स्टेयर के चढ़ने के बाद में आपको एक मिलता है बालकनी टाइप का पोर्च। सेकंड एलिवेशन पर जाते हैं, हमने यहाँ पर कुछ कलर्स के साथ में और पैटर्न्स के साथ में शेड किया है। यहाँ पर 3 बॉक्स दिए हैं, कुछ SS के डिजाइन दी हुई है। ये इसका एलिवेशन नंबर 3 है और ये एलिवेशन नंबर 4 और ये साइड की पोजीशन है। अभी वर्तमान में साइड इस कंडीशन में है। जल्दी ही मैं आपके लिए इस साइड के कंप्लीट होने का वीडियो लेकर के आने वाला हूँ तो आप इंतजार करिएगा। अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है जिस पर आप सिविल आर्किटेक्चर या इंटीरियर से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट वास्तुशास्त्र के अनुसार डिजाइन करवाना चाहते हैं हमें प्रोजेक्ट डिटेल व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम जल्दी ही आपको रिस्पॉन्स करेगी। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। और अगर आपके किसी मित्र जिसने 25 बाई 50 का प्लॉट लिया है और उसे अगर प्लान की जरूरत है ईस्ट फेसिंग पर तो आप उसे ये प्रोजेक्ट लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।